الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات ہماری مجالس اعضاء کا موضوع بندگی ہے جو ایک الہی ہدف کے طور پر متعارف کرایا گیا خلقت انسانی کا وہ ہدف اور مقصد جو خالق کائنات نے اپنے کلام میں بیان کیا کہ ہم نے انسان کو خلقت اس لیے عطا کی تاکہ وہ مقام ابدیت پر فائز ہو سکے تو اس مقام ابدیت پر فائز ہونے کے لیے اس والا مقام کو پانے کے لیے اسلام نے جو اصول و ضوابط جو تعلیمات اور عبادات متعارف کرائے ان پر عمل پیرا ہونے کے لیے معصوم بارگاہ احدیت میں دامان نیاز پھیلائے ہوئے سراپا دعا ہیں اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المحسية وعرفان الحرمة وصدق النية واکرمنا بالہدا پروردگار وہ ہمت وہ طاقت وہ حوصلہ وہ جذبہ عطا کر جس کے ذریعے سے ہم تیری عبادت کر کے تیری بتلائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہو کر تیری رضا کو پا کر تیری لقا کی منزل پر فائز ہو کر قیامت میں سرخرو ہو سکیں وَبُعْدَ الْمَعْسِيَةِ تیرے محرمات سے گریز پا ہو کر تیرے حرام کو چھوڑ کر گناہوں کے ارتکاب سے اپنے وجود کو بچا کر قلب سلیم کے ساتھ تیری بارگاہ میں خود کو آلودہ گناہ کیے بغیر حاضر ہوں وَعِرْفَانَ الْحُرْمَةِ اور پروردگار مجھے حرمتوں کی شناخت عطا فرما تیرے حرمات کیا ہیں ہم حرمات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اسلام میں کچھ حرمات ہیں اِنَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ فِي بِلَادِهِ خَمْس حرمات
एक हदीस में इन्ना लिल्लाह अज़्ज़ा वजल सलास हुरुमात, हुरुमातुन सलास, एक हदीस में अरबा हुरुमात, एक हदीस में छः हुरुमात बयान किए गए। कल हमने मुख्तसर इस पर गुफ्तगू की, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे कि फरमाया हुरमतुल्लाह व हुरमतु काबतिल्लाह व हुरमतु रसूलिल्लाह व हुरमतु इत्रति रसूलिल्लाह व हुरमतुल इस्लाम व हुरमतुल मुमिन। कितनी हुरमतें हैं? हुरमतुल्लाह अल्लाह की हुरमत है, हुरमतु काबतिल्लाह हरमे इलाही काबा की हुरमत है, और उसकी हुरमत यानी उसका एक प्रोटोकॉल है, और उसका प्रोटोकॉल ये है कि मनासिक हज की अदायगी के साथ आप खाने खुदा की ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकते हैं, या मनासिक उम्रा की अदायगी के साथ। और वो मनासिक हैं, बाकायदा आदाब हैं, जिनसे और अपनी मर्ज़ी से कहीं भी एहराम नहीं बांध सकते, बल्कि इस्लाम ही ने जगह मुय्यन की हैं कि वहाँ पर एहराम बांधें। यह अल्लाह के घर का एहतराम है, कैसे वारिद होना है और कैसे खारिज होना है अहराम से, एक पूरा प्रोटोकॉल है। फिर हुरमत किताबिल्लाह कलाम इलाही की हुरमत है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहररून, इसको लम्स ना करो, टच ना करो, छुओ नहीं जब तक कि तुम पाकु पाकीज़ा ना हो जाओ। ज़ाहिरी लम्स के लिए ज़ाहिरी तहारत वाजिब है, और बातिनी लम्स के लिए बातिनी तहारत, कि आईना कल्ब अनवार इलाही की शुआओं से मुंजली हो जाए, शफाफ हो जाए, पाक हो जाए, गटर की सफाई हो जाए, इंसान का बातिन इतना शफाफ हो कि कलाम इलाही की मानवियत को समझ सके। जैसा कि ज़ाहिरुहु अनीक व बातिनुहु अमीक, कुरान का बज़ाहिर कोई एक माना खुशनुमा, खूबसूरत, ज़ेबा, जमील, हसीन निगाहों के सामने आता है, जबकि उसी वक्त उसके बेशुमार हिडन मीनिंग्स लाखों की तादाद में वो सिर्फ खासान खुदा को हासिल होते हैं जिनका बातिन साफ़ शफाफ और पाक होता है। तो ला यमस्सुहु इल्लल मुतअख्खरून। फिर हुरमत व इतरत रसूलिल्लाह, इतरत रसूल गिरामी इस्लाम की हुरमत है, जिस पर हम आइंदा मजालिस में जहाँ जहाँ हमें मौका मिलेगा बात करते चले जाएंगे। यही तो हस्तियाँ हैं कायनात में जो मकसूद कायनात हैं। फिर उसके बाद हुरमत व रसूलिल्लाह, हुरमत व इतरत रसूलिल्लाह, हुरमत उल इस्लाम व हुरमत उल मुमिन। आज हम हुरमतुल मोमिन के बारे में बात करेंगे। इंसान मोमिन की हुरमत क्या है, उसका एहतराम क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, निगाह खुदाबंदी में मोमिन की कदर व कीमत और मंजिलत क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि इस्लाम ने किसी भी मोमिन के साथ ताल्लुकात रखने या मुलाकात में या उसके उमूर में जो अहकामात बयान फरमाए हैं कि सिर्फ कलिमा गो हो, सिर्फ हुजूर का उम्मती हो तो तुम्हारे लिए मोमिन है। ये जो कहा गया, कल हमने आपसे अर्ज़ किया कि काबतुल्लाह की जानिब हालत गिरिया में अपनी निगाह कीमिया असर को बुलंद किया, और आका ने इरशाद फरमाया कितना अजीम है अल्लाह का घर, और बहुत बार इरशाद फरमाया, और उसके बाद फरमाया कि कितना कहाँ अल्लाह के घर की अजमत, अल्लाह का घर तू क्या जाने मोमिन की क्या आज़मत है, और फिर कहा मोमिन की आज़मत 70 गुना काबतुल्लाह से ज़्यादा है। तो अब मुसलमान इस जस्तजू में कि वो कौन मोमिन है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है जो काबा से भी ज़्यादा काबिल ताज़ीम है, तो ज़बान वही तर्जुमान में तहरुक हुआ, जुम्बिश हुई, लब मुतहर्रिक हुए, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा के मिसदाक, नबी के लब तकल्लुम रेज़ हुए, और बारगाह रिसालत से इरशाद हुआ कि वो कोई ख़ास मोमिन नहीं, तुम ही में से है, तुम्हारे ही ऐसा है, कभी गुना कभी नेकी, कभी वाजिबात कज़ा कभी अदा, एक आम मोमिन है। फिर उसका इतना एहतराम क्यों है? फरमाए इसलिए कि खालिक कायनात इंसान मोमिन के एहतराम का कायल है। इसलिए कि अब आपसे अर्ज़ करती हूँ कि जनाब रसूल खुदा की खिदमत में एक जवान को लाया गया, लाया गया या उसका तज़किरा किया गया, मुझे सही तौर पे ये याद नहीं है, कहा या रसूल अल्लाह ये जवान बहुत ज़्यादा आलूदा गुना है,
बहुत बहुत गलीज इंसान है, अखबसुल खबाइस है, बहुत से गुनाह अंजाम दिए। अलबत्त गुनाहों का ताल्लुक अपनी ज़ात से है, मुआशरे से नहीं, अपने गैर से नहीं। तो आका ने फरमाया इन्नहु बखैर, लोग सटपटा गए। इससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि पैगंबर गिरामी इस्लाम की हयात तैयबा के बाद आप मुतवज्जे हैं, दुनियाए इंसानियत में एक इस्तराब की कैफियत थी। यूनान के फिलोसफर्स और रोम से आने वाले बड़े बड़े स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हिजाज का रुख करते थे, इसलिए कि पैगंबर गिरामी इस्लाम ने एक ऐसा दावा किया जो किसी को हज़म नहीं हो रहा था और ना हो रहा है। तो अब अगर मैंने अर्ज़ किया था कि किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स भी कोई दावा कर दे तो हमारी बला से, लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जिसकी सलाहियतों को दुनियाए इंसानियत मानती हो तो फिर जब वो कोई दावा करता है तो सब ये जानना चाहते हैं कि ये दावा किस बुनियाद पर किया गया। और नबी मुकर्रम इस्लाम कोई आम बड़े लीडर नहीं थे, बल्कि आका के बारे में जितने दानिश्वरों का ख्याल है, दुनिया इंसानियत के जितने दानिश्वर हैं जिन्होंने दुनिया के जीनियस अफराद की फहरिस्तें जारी की, उनके हालात पर रिसर्च की, उन पर मकाले लिखे, उनको पहचाना, उन अफराद का नॉन मुस्लिम दुनिया से, गैर मुस्लिम दुनिया से बड़े स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, बड़े ऑथर्स, उन्होंने ये लिखा है कि जितने दुनिया में जीनियस थे, जीनियस तो आपको मालूम है, जिस शख्स की यूनिकनेस तक कोई ना पहुंच सके वो जीनियस है। सदियों में कई सदियां, कई दहाइयां गुजर जाती हैं तो कोई एक जीनियस वो अली सीना की सूरत में सफाए ज़मीन पर कदम रखता है, कई हज़ारे गुजर जाते हैं तो कोई एक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हकीम उम्मत ऐसी शख्सियत जिसकी परे परवाज तखय्युल शहपर जबरील के हमरकाब होकर हफ्त अफलाक की बुलंदियों पर पहुँच कर तायरान मानी को तहे दाम करती हुई दिखाई देती है, ऐसी नाबिगाए रोज़गार शख्सियत बर्रे सगीर में तुलू करती है। सदियाँ गुजर जाती हैं तो कोई एक उस्ताद डॉक्टर मुर्तज़ा मुतहरी ऐसी शख्सियत मारे से वजूद में आती है। तो इनको कहते हैं जीनियस। दुनियाए इंसानियत के जो गैर मुस्लिम दानिश्वर हैं वो ये कहते हैं कि जितने जीनियस थे दुनिया इंसानियत में, जो कोई एक दूसरे के बाद, कोई हज़ार साल बाद, कोई डेढ़ हज़ार साल बाद, कोई सदियों के बाद पैदा हुआ, उन तमाम अफराद में से जितने जीनियस थे दो अफराद ऐसे हैं जो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, जिनको इन सब पे फौकियत हासिल है, जो इन जीनियस अफराद में भी इतनी ही बरतरी रखते थे जितनी ये जीनियस दूसरे लोगों पर। कहा वो कौन है? कहा वो मुहम्मद अली। ये गैर मुस्लिम अफराद का कहना है। तो अब जब वो इनकी इस यूनिकनेस के कायल हैं, इनकी सलाहियतों के मोतरफ हैं और इन्हें एक गैर मामूली मखलूक तसव्वुर करते हैं, तो फिर जब पैगंबर खत्मी मर्तबत ने ये दावा किया तो सब के लिए बहुत हैरान कन था कि हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि मैं इल्म का मदरसा हूँ, मकतब हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फरमा दिया होता मैं इल्म की यूनिवर्सिटी हूँ, मैं दानिशगाह इल्म हूँ। हुजूर ने फरमाया नहीं, अना मदीनतुल इल्म, मैं शहर इल्म हूँ और शहर में हर चीज़ दस्तियाब होती है, और शहर इल्म भी कोई छोटा शहर नहीं, मदीना बड़ा शहर। बड़े शहर की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो बिलाद कबीरा होते हैं उनकी उनका कोई मुकाबला ही नहीं। और इसीलिए मकतब इस्लाम के अजीम पेशवा मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़बान वही तर्जुमान से ये कलिमात गौहर बार अदा हुए। इसलिए इसी से तो पता चलता है कि हमारे पेशवाओं का विजन क्या था, उनकी फिक्र किस बुलंद सतह पर थी। क्या आका ने इरशाद फरमा बस कुन अमसार अलअजीमा फइन्नहा जमाउल मुस्लिमीन, ऐ मुसलमानों खबरदार, ऐ गिरोह मुसलमान छोटे कस्बों आबादियों में जाकर न रहना, बस कुन अमसार अलअजीमा बड़े शहरों में जाके आबाद हो जाओ। बड़े शहरों में हर चीज़ तनव्वो के साथ,
वाफिर मकदार में पाई जाती है। तो हुजूर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, और वो भी कोई छोटा शहर नहीं, बड़ा शहर जिसमें 24 घंटे हर चीज़ फरावानी के साथ, अपनी तमाम तर वसअतों के साथ, वैरायटी के साथ, तनव्वो के साथ, हर किसी की दस्तरस में करार पा सके। यानी इल्मी एतबार से पैगंबर गिरामी इस्लाम ने अपना जो तारुफ कराया दुनियाए इंसानियत उस वक्त से लेकर आज तक विरता हैरत में है और अंगुश्ते हैरत नातों में दबाए हुए है कि ये कौन था जिसने खुद को शहर इल्म के तौर पर मुतारिफ कराया। रेगजार अरब से उठकर, उस लको दक सहरा से उठकर, रेगजार अरब से उठकर तुलुए सुबह कयामत तक शहर इल्म का दावा करने वाले उम्मी लकब की शान मुअल्लिमियत के मुअजजे का इजहार उसके बाद अली इब्ने अबी तालिब की सूरत में हुआ कि आका ने ये इरशाद फरमा दिया। और इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए था, इतना एतमाद इसीलिए था कि आका जानते थे कि आपके पास वक्त मुख्तसर है, आपकी रहलत के बाद दुनिया इंसानियत से बड़े बड़े दानिश्वर, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स सरजमीन हिजाज का रुख करेंगे ताकि जानें कि ये कौन था जिसने इतना बड़ा दावा किया। तो आका ने अपने दावे की सदाकत को पाया सबूत तक पहुंचाने के लिए अपनी शान मुअल्लिमियत के एजाज के तौर पर वजूद अली इब्ने अबी तालिब को पेश किया। तो बड़े बड़े डेलीगेशन आते थे, बड़े ममालिक से आते थे, सरजमीन रोम से आते थे, यूनान से आते थे, खिलाफत राशिदा का दौर था, वो सवालात करते थे आके, और उन सवालात के लिए वो बहुत महीने स्टडी करते थे और फिर अदियान आसमानी और कुतुब आसमानी से वो सवालात निकाल कर और उनको पेचीदा सूरत में बयान किया जाता था। तो मौला कायनात दरबार में तशरीफ़ ले जाते थे, फिर आई तो अन्नसब्र आला हाताहजा फ़सबर तो वफ़िलाई ने क़ा वफ़िलहल के शजा। आका फरमाते थे कि मेरे साथ जो भी हुआ लेकिन इस वक्त इस्लाम की बका का मसला दरपेश है, सिसकते बिलकते इस्लाम को बचाना और हयात नौ से आशना करना अली और औलाद अली का काम है। तो मौला कायनात दरबार में तशरीफ़ ले जाते थे और फिर इल्मी उलझनों को सुलझाते थे। तो एक दिन यहूदियों का एक वफ्द सवालात लेकर आया, तो उन्होंने कहा, वो शायराना अंदाज में सवाल करते थे, यहूदी असल में अहले इल्म लोग भी थे, लोगों को मुतासिर भी करना चाहते थे। तो कम 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 बैनल कम बैन समा एवल अर्ज कम बैनल हक एवल बातिल, उनके सवालात का आगाज़ कम से होता था, कम यानी कितना। उन्होंने कहा कम बैन समा एवल अर्ज, आसमान और ज़मीन के दरमियान फासिला कितना है। तो इसका तो कोई पैमाना नहीं, कोई अगर बता दे इतना फासिला है तो आपको कैसे पता मालूम होगा कि कितना फासिला है, और उसका सवाल मबनी बर हक है भी या नहीं। तो उनके पास पैमाना ये था कि जो 110 सोहफ़े आसमानी ने इस सवाल का जवाब बताया, अगर वही जवाब बता दे तो ये नुमाइंदा खुदा है। तो आका ने इमाम हसन मुजतबा से फरमा आप जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कम बैन समा वल अर्ज, दरबार लगा हुआ था, आसमान और ज़मीन के दरमियान कितना फासिला है। तो शहजादा खुशखिसाल अपनी जगह से बुलंद हुए और आपने फरमाया कम बैन समा वल अर्ज, आका ने फरमाया आसमान और ज़मीन के दरमियान का फासिला कितना है, फरमाया मज़लूम की एक निगाह। किसी पे इतना जुल्म न करो कि उसकी निगाह आसमान की जानिब उठ जाए। डरो उस वक्त से और ये मत कहो कि ये कौन सा कोई इतना पारसा है, इतना नेक है, इतना बड़ा, ये कोई स्पिरिचुअल है, ये कोई इतना बड़ा, ये भी तो गुनहगार है, गलीज इंसान है। गलीज हो या पाको ताहिर हो, जब किसी का दिल दुखता है तो खुदा उसको अकेला नहीं छोड़ता, खुदा उसकी आह को, उसकी फरियाद को वो सदा बसहरा नहीं रहती, खुदा उस पर फौरन जवाब देता है। इसीलिए मासूम ने फरमाया यौमुज़्ज़ालिम अशद्द मिन यौमिल मज़लूम, ज़ालिम का दिन बहुत ज़्यादा सख्त है मज़लूम के दिन से। ज़ालिम का दिन चंद घंटों पर मुश्तमिल था, मज़लूम का दिन यौम आशूरा से रोज़े क़यामत तक के लिए। कितनी ताकत के साथ है
लिहाजा डरो। उन्होंने कहा कम बैनल हक वल बातिल, हक और बातिल के दरमियान कितना फासिला है। आका ने फरमा अरबा ओ असाबे, चार उंगली का। चार उंगली कैसे? आका ने फरमाया जो तुम्हारी आंख देखे वो हक है और जो कान सुने वो बातिल है। कहा ये किस तरह से? फरमाया हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बात तुम्हारी समाअत से गुज़रती है वो मबनी बर हक हो, और तुम्हें जायज़ भी नहीं। या अय्युहल लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम, या अय्युहल लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअइन फतबय्यनू। सूरह मुबारक हुजरात है, साहिबान ईमान जब तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो उसे लेके दौड़ना पड़ो हवा के घोड़े पर सवार होके, और तुम सोचो कि मेरी लॉटरी निकल आई है, मुझे एक नई ख़बर मिल गई और मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँ। फतबय्यनू, सोचो, गौर व फिक्र करो, तहकीक करो इस ख़बर में कितनी सदाकत है, और अगर सदाकत निकल भी आए तो हर ख़बर नशर करने के काबिल नहीं होती। तो ख़बरदार, दूसरों की इज्जत की पासदारी का ख्याल रखो, दूसरों को जलील और रुस्वा ना करो। कहते हैं कि पैगंबर गिरामी इस्लाम की खिदमत में, वो जो मैं आपसे अर्ज़ कर रही थी कि जवान के बारे में तस्करा किया गया कि आलूदा गुना है, कैरेक्टरलेस है, बहुत ज़्यादा गुना है, तो आका मुस्कुराए, फरमाए ना हूँ बखैर, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, उसे कोई ख़तरा नहीं। फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, उसमें ये गलती है, वो ख़राबी है, ये ऐब है, वो गलतियों का मजमुआ है, पे दर पे आलूदगियों से। आका ने फरमाया ना हूँ बखैर, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया या रसूल अल्लाह, उसमें ये ख़राबियाँ हैं। तीसरी बार लबान रसालत मुतहर्रिक हुए, फरमाया जाओ भाई अपना काम करो, मैंने तुम्हें बताया वो तुम सबसे बेहतर है। अब मुसलमान तो सटपटा गए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये इस्लाम के तालीमात में अकबाल में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? एक तरफ आप कहते हैं कि इंसान मोमिन को ऐसा होना चाहिए कि पलकें भी मर्जी मौला के बगैर ना झपके, और कुरान की आयत इतनी सख्त के इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, खुदा सिर्फ और सिर्फ अमल को साहिबाने तकवा से कबूल करता है। तुम्हारा अमल तकवा के पाकीज़ा हिसारों में अंजाम पाए, तुम मर्जी मौला के पहरे हर वक्त अपनी रजा पर, अपनी पसंद नापसंद पर बिठलाए रखो, तो फिर भी खौफ और रजा की कैफियत रहे, फिर भी ये यकीनी बात नहीं कि तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएं और तुम साहिल नजात से हम किनार हो जाओ। तो या रसूल अल्लाह, ये क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये क्या तजादात हैं? अब हम बता रहे हैं कि ये गुनाहगार इतना ज़्यादा राह गुम करता और इतना गुमराह है और गुनाहगार है, तो आपने तीन बार फरमा दिया इन्नहु बखैर। आका ने फरमाया सुनो, फरमाया ये जवान कहीं से जा रहा था और इसी ऐसा कोई और शख्स, कोई मोमिन गुनाहगार था, वो उस वक्त गुनाह की अंजामदही में मसरूफ था, वो अमल कबीह, वो अमल ज़िश्त, वो अमल नापसंद, वो अमल गुनाह अंजाम दे रहा था, और इसने उस अंजामदही के ऐन दरमियान में उसको देखा, और दोनों के लिए डाउट ना रहा, जो अंजाम दे रहा था उसके लिए भी यह बात मरहला यकीन तक पहुंच गई कि इसने मुझे आलूदगी के आलम में देख लिया, और इसके लिए भी यह बात पाया सबूत तक पहुंच गई कि यह गुनाह अंजाम दे रहा है। वो बहुत घबरा गया जो गुनाह अंजाम दे रहा था, क्योंकि इसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसके औसान खता हो गए। मगर कुछ ही देर में उसने रियलाइज किया कि इसने ना तो उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, ना उसको जतलाया, ना उसको शर्मसार किया, ना उसके मुंह पे लाया, और ना ही कभी दूसरे लोगों से तस्करा किया। जब उसे इत्मीनान हो गया कि इससे उसे कोई ख़तरा नहीं, तो उसकी निगाह उठी आसमान की जानिब। एक गुनाहगार की दुआ दूसरे गुनाहगार के लिए, अब उसने दुआ की या नहीं की, लेकिन वो जो इंसान की एक कैफियत होती है कि जब ख़तरा टल जाए तो वो गहरी सांस लेता है, हाँ ख़तरा टल गया, तो वो ख़तरा टल गया। तो जब ख़तरा टला तो खालिक कायनात ने जिसकी वजह से ख़तरा टला था
उसको जितने खतरात थे उन सब को टाल दिया खुदा ने। खुदा ने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। और माफ भी किस तरह से किया कि सिर्फ माफ नहीं किया, भैया हम तारीख में एक्सट्रीम देखते हैं, इसीलिए कहते हैं किसी को हकीर मत समझो, किसी से खुद को सुपीरियर मत समझो, अपने आप को हमेशा दूसरों से कमतर समझो। कभी किसी को रूहानी मजहबी मानवी एतबार से या दूसरे एतबारात से खुद से कम ना समझो। ये उसकी कुदरत है, जब चाहे उसकी रहमत है जिसके लिए वजद में आ जाए। आपको मालूम नहीं कि गैबी सिलसिले क्या हैं, मामलात क्या हैं। खालिक कायनात ने हमेशा हमारे सामने ऐसी मिसालें पेश की हैं। आवारगी की मिसाल पेश की, इंतहा की आवारगी, खयानत जुलेखा की सूरत में। वो एक एक्सट्रीम थी कि जिसने नबी खुदा की जिंदगी को तहोबाला कर दिया, और उसके बाद दूसरी एक्सट्रीम दिखाई कि वो जुलेखा वलियतुल्लाह बन गई। फिर खालिक कायनात ने कुरान करीम में साहिरी ने फिरौन को दिखाया। एक मंजर यह है कि वो जादूगर हैं, और जादू छोटे से छोटा हो हराम, मुतलकन हराम। जादू करने वाला, जादू करवाने वाला जहन्नम दाखिरीन, मुंह के बल जहन्नम में, और खुलूद है, उनके लिए कोई शफात नहीं, कोई मगफिरत नहीं। जादू अगर किसी जेन्युइन पर्पस को हासिल करने के लिए भी किया जाए तो हराम है। इसलिए कि इस्लाम एक बहुत उसूल पसंद मजहब का नाम है। इस्लाम कभी अच्छे मकसद को अचीव करने के लिए बुरे रास्ते की जानिब इंसान को बढ़ने नहीं देता। हमेशा तुम्हारा रास्ता सिराते मुस्तकीम है। अगर इस राह पर चलते हुए तुम्हें तुम्हारे मकासद खैर हासिल हो जाएं तो ठीक है, ना हो तो इस्लाम तुम्हें इजाज़त नहीं देता कि तुम इधर उधर से छलांग लगा के दीवार फलांग के जाओ। वो तो उलूम इलाहिया को भी हासिल करने का हुक्म दिया तो कहा ये शहर है, ये दरवाज़ा है। उलूम इलाहिया को भी हासिल करना है तो दरवाजे से जाओ। इस्लाम हमेशा इस बात का सख्ती से हुक्म देता है कि तुम्हें जो भी खैर अमल अंजाम देना है उसमें जितनी तुम्हारी एफर्ट हो, जितनी तुम्हारी काविश हो, वो भी खैर पर मबनी हो। तो जादू छोटे से छोटा जादू हो और बेहतरीन से हलाल मकसद के लिए हो। जादू बजाते खुद हराम है, जादू करने वाला हराम है, जहन्नमी है, करवाने वाला जहन्नमी है, और इनका अंजाम बदतरीन अंजाम है। तो वो साहिरी ने फिरौन थे और मूसा के खिलाफ जादू कर रहे थे, लेकिन उधर ये एक्सट्रीम दिखाई, और चंद घंटों के बाद वो एक्सट्रीम दिखाई कि वो शोहदाए फी सबीलिल्लाह, शोहदाए राह खुदा बन गए, ईमान ले आए। फुज़ैल इब्ने अय्याज, डाकुओं का सरदार, डाकुओं का सरगना, इतना बड़ा डाकू के उस सरजमीन अरब में इतना खौफ व वहशत पाया जाता था फुज़ैल के नाम का, कि अगर चलते हुए काफिलों को पता चल जाए कि इधर से कहीं फुज़ैल और उसके साथियों का गुज़र हुआ तो उनके औसान ख़ता हो जाते थे, लोग सफ़र नहीं करते थे फुज़ैल इब्ने अय्याज के खौफ से। वो बहुत माहिर डाकू था, बहादुर बहुत ज़्यादा था। और आप याद रखिएगा कि जितने भी दुनिया के ख़तरनाक लोग हैं बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं। इसीलिए मैं कहा करती हूँ कि अपने क्विक माइंडेड बच्चे को हौज़ा इल्मिया में भिजवाओ। जितना ज़हीन होता है उतने ख़तरात ज़्यादा होते हैं, और ज़हानत को बैलेंस करने के लिए, सलाहियतों में तवाज़ुन कायम करने के लिए मज़हबी तालीमात से ज़्यादा और मज़हबी माहौल से ज़्यादा मुसाइद और मुनासिब माहौल कोई नहीं। और उसके साथ साथ प्लस ये है कि फिर वो जितना ज़हीन बच्चा होगा उतनी बड़ी सतह पर इस्लाम के लिए खिदमत अंजाम देगा। इस्लाम आज तक इसीलिए बहरान का शिकार है कि जो बच्चे कुछ नहीं कर पाते वालिदैन उनको मज़हबी इदारों के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये जितने जराइम पेशा क्रिमिनल लोग हैं दुनिया में, ये सबसे ज़्यादा बासलाहियत होते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं। पाकिस्तान में भी आपको ऐसे जादूगर दिखाई देंगे,
जो बला के जहीन है, लेकिन नेगेटिविटी है उनमें, उनकी किसी ने तरबियत नहीं की, शैतान के रास्ते पर हैं, तो वो अपनी जहानत से गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो ये दुनिया के जितने क्रिमिनल्स होते हैं, ये हद से ज़्यादा बासलाहियत, क्योंकि एक आम अच्छा अमल अंजाम देने के लिए इंसान को कितनी ज़्यादा जहानत, मेहनत, कितनी ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो अमल जिसमें हर लम्हे फंस जाने का खौफ हो, जो हेरा फेरी पर मबनी हो, जो फसाद पर मबनी हो, उसको अंजाम देना और आगे बढ़ाना, जारी रखना, कंटिन्यू करना, ये कितना मुश्किल काम है। इसके लिए बे इंतहा जहानत की ज़रूरत है। तो फुज़ैल इब्ने अय्याज बहुत बड़ा डाकुओं का सरदार था, उतना ही बड़ा दहशतगर्द था। इतनी हुरमतें लूटी, इतनी इज्जतें पामाल की, माल लूटा, लोगों को कत्ल किया, बहादुर हद से ज़्यादा था, नताइज से डरता नहीं था। एक दिन वो आशिक भी हो गया, किसी लड़की का आशिक हो गया, तो वहाँ का कोई बाइज्जत कोई शख्स था, कोई शरीफ आदमी था, उसकी बेटी थी, जाके कहा कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। या लल्लाजब, उस बेचारे के लिए तो मौत के मुतरादिफ था, किसी शरीफ आदमी से कोई डाकू जाके बेटी का रिश्ता मांगे, और वो भी इतना बड़ा डाकू, ढाका छुपा नहीं। तो जाहिर है उसने तामुल किया, उसने कहा कि ये मुमकिन नहीं। फुज़ैल इब्ने अय्याज ने कहा कि ठीक है, अब फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें शराफत की ज़बान समझ में नहीं आती, और मैंने गलती की, मेरा शराफत से क्या ताल्लुक। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देख लेता हूँ। रात हुई, फुज़ैल आया। अब वो यूं तो डाकू था, वो कौन सा चोर था कि छुप के आता, लेकिन बहरहाल उसने सज़ा देने के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए कि मेरी धौंस कितनी चलती है, दीवार फुलांगी। अब जब वो दीवार पे आया तो लड़की का वालिद घबराया हुआ कुरान की तिलावत कर रहा था। तो फुज़ैल बड़ा महजूज होता हुआ, मुस्कुराता हुआ कि अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसे जुर्रत कैसे हुई कि इसने मुझे इनकार किया। तो अब सारे अहले मोहल्ला के सामने इसकी बेटी को मैं खींच के ले जाऊंगा। वो जैसे ही दीवार पे आया तो वो तिलावत कर रहा था, तो जो अल्फाज उसके कान में समात से टकराए कुरान की आयत के, वो थे अलम याने लिल्लज़ीना आमनु अन यख्शा कुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि अहले ईमान के दिल याद खुदा से लरज उठे। बस ये सुनना था, वो एक लम्हा था, वो टर्निंग पॉइंट था कि फुज़ैल इब्ने अय्याज दीवार के ऊपर उसकी चीख निकली, चेहरा आंसुओं से तर हो गया और ख़ुद कलामी के आलम में कहने लगा क्यों नहीं आ गया है, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। वहीं से पलटा, लूटा हुआ माल वापस किया, जिन जिन के साथ ज्यादतियाँ की थी उनसे हलालियत तलब की, जो जो अदा कर सकता था वो अदा किया, अपना पुराना लिबास उतारा, किसी से मांग के उसका पुराना लिबास पहना, कहा लिबासे गुनाह अब ज़्यादा देर इस बदन पर नहीं रह सकता, ये बदन अब आलूदा गुनाह लिबास का बोझ नहीं सह सकता। उसके बाद हाथ में तस्बीह पकड़ी, खाना खुदा में आ गया, खुदा ने उसकी तौबा कबूल की और फिर उसे मुस्तजाबुद दावा बना दिया। फिर लोग हरम जाने की बजाय फुज़ैल इब्ने अय्याज के पास आके कहते थे हमारे लिए दुआ कर दो, वो दुआ करता था, लोगों को हाजत मिलती थी। फिर रोज़े आशूरा बैते इलाही का तवाफ करते हुए दुनिया से रुखसत हुआ। तो इस्लाम ने हमें ऐसी एक्सट्रीम दिखाई है, वो डाकू, वो आवारा खातून, ऐसे किरदार, वो साहिरीन फिरौन, वो शुहदाए राह खुदा बन गए, ये जवान जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया इन्नहु बखैर, जब उसने किसी के ऐब को छुपाया तो खुदा ने न सिर्फ ये कि उसके उयूब को छुपाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, वो करीम ज़ात है और उसकी शान करीमी का तकाजा ये है कि जितना किसी ने किया उससे कई गुना ज़्यादा उसको अता करे। इसने किसी का एक ऐब छुपाया, उसने इसके सारे उयूब छुपा दिए, और उसके बाद इसको ये अता किया कि पैगंबर की हमराही में ये जंग में शहीद हुआ और शहीद राह खुदा करार पाया। तो फरमाया कि किसी को अपने से कम न समझो, मोमिन की हुरमत की पासदारी का ख्याल रखो, कम बैनल हक वल बातिल अरबा व असाबिह, तुम्हें किसी की बुराई पता चले तो खबरदार
तुम मरहला यकीन तक भी पहुंच जाओ। अगर वो कलेक्टिव नेचर की नहीं है, अगर वो इज्तिमा को नुकसान नहीं पहुंचा रही बुराई, अगर वो किसी की इंडिविजुअल ज़िंदगी से मुतालिक है, तो तुम्हें उसको बरमला करने का इस्लाम ने हक नहीं दिया। और अगर तुम्हें आके कोई किसी की बुराई बताए, तो उसके बारे में इस्लाम ने जो तुम्हें हुक्म दिया है, जनाब शेख तूसी अलैहि रहमा आलम इस्लाम की वो बर्जस्ता शख्सियत हैं, उस्ताद व शागिर्द, जो उस्ताद के बाद शागिर्द उस मकाम पे पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है। और शेख तूसी अलैहि रहमा उन अजायबात में से हैं, उन हस्तियों में से हैं कि कई सौ साल के बाद जब अचानक आपकी कब्र खुली, तो उसी तरह ताज़ा बदन खुशबू से महक रहा था, चेहरे पर एक लतीफ़ तबस्सुम था, मुस्कुराहट थी, और मालूम पड़ता था कि अभी अभी नहा धो के पाकीज़ा लिबास पहन के ये शख्स सोया है, ये कैफियत थी। तो शेख तूसी अलैहि रहमा कहीं सफ़र पे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो उस्ताद मोहतरम उनके भी वहीं पे मौजूद थे, तो ये घर तशरीफ़ ले गए। जब घर तशरीफ़ ले के गए, तो वहाँ से वापस लौटे उसी लम्हे, घोड़े पे सवार होना चाहते थे। सुना आपने ये वाक़या, घोड़े पे सवार होना चाहते थे। कभी आपकी समाज से ये ये बड़ा अहम वाक़या, छोटा सा वाक़या, लेकिन इतना आई ओपनर है, इंसान के जहन के सारे दरीचे खुल जाते हैं। वो घर से लौटे, उसी टाइम लौटे, तो देखा कि घोड़े के करीब एक कुत्ता खड़ा हुआ है, ज़बान लटक रही है उसकी, और ज़बान से उसकी लुआब भी लटक रही आवेज़ा है, और घोड़े की लगाम गीली हो चुकी है। तो जैसे ही लगाम को थामा और सवार होने लगे, तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, शेख ये लगाम नजिस है, इस कुत्ते ने अभी इसको मुंह में डाला था। तो आपको मालूम है कि कुत्ता क्या है, नजसुल ऐन, नजस नहीं, नजसुल ऐन। इस्लामाबाद में रहने वालों, कुत्ता क्या है, नजसुल ऐन, नजस चीज़ पाक हो सकती है, नजस चीज़ को धोया जाए तो पाक हो जाती है, कुत्ते को धोया जाए तो मजीद नजासत फैल जाती है। कुत्ता नजसुल ऐन है, क्या है, नजसुल ऐन। इसलिए कुत्ते को कुत्ता रहने दो, फैमिली मेंबर ना बनाओ। अल्लाह ने तो कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जिसके फवाइद ना हो, वो ज़ात खैर मुतलक है, वो हकीम मुतलक है, उसका हर अमल खैर पर मबनी है। खलीफा अब्बासी ने कॉकरोच को देखा, तो उसने कहा कितनी काबिल नफरत चीज़, अल्लाह ने इसको पैदा क्यों किया, क्यों पैदा किया। उसी वक्त बदन में कुछ आसार जाहिर हुए, और फिर एक दाना निकला, फिर पस बहने लगी, खून बहने लगा, ज़ख्म ख़राब होता चला गया, ख़राब तर होता चला गया। दुनिया भर के अतिब्बा तबीब फिजिशन बुलाए गए, इलाज की जब कोई सबील ना निकल सकी, परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ गई। कहा अब क्या करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टरों ने कहा अब दवा की नहीं शिफा की ज़रूरत है, जितनी दवा हो सकती थी वो कर ली, अब अगर कहीं से अल्लाह शिफा का बंदोबस्त करे। तो फिर अब्बासी खुलफा भी जानते थे कि मुश्किल कुशा कहाँ से मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, लिहाजा सामिनुल हुजज की जानिब रुख किया और कहा कि मौला आप मुश्किल कुशा हैं और मुश्किल कुशा की औलाद हैं, तो मेरी मुश्किल कुशाई सिर्फ़ आप कर सकते हैं। आका तशरीफ़ लाए, तो आके कहा, ज़ख्म को देखा, फरमाया कोई कॉकरोच मिल सकता है। कॉकरोच लाया गया, उसको जलाया, उसकी राख ज़ख्म पे रखी, ज़ख्म ठीक हो गया। अलबत्ता ये दस्ते कीमिया असर का भी नताइज थे, ज़ख्म ठीक हुआ। तो अब्बासी खलीफा ने मासूम से कहा कि मौला ये क्या। तो अब मौला के सामने तो उसने ये नहीं कहा था कि खुदा ने इसको क्यों पैदा किया, क्यों पैदा किया, इसकी ज़रूरत क्या थी, लेकिन इमाम का इल्म गैब है। जब उसने कहा कि मौला ये क्या, तो आका ने फरमाया ये कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ने बाज़ चीज़ों को बग़ैर ज़रूरत के पैदा कर दिया, तो उसकी कुदरत काहिरा नमक खलकना को मबसा,
क्या तुम ये समझते हो खुदा ने किसी रीजन के बगैर, बगैर किसी सबब के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी बुनियाद के किसी भी चीज को खल्क किया? वो हकीम मुतलक है, तो उसको शिफा हो गई। तो हर चीज में खालिक कायनात ने खैर के पहलू रखे हैं। कुत्ते के बहुत से फवायद हैं, लेकिन उसी खालिक ने हुक्म दिया है कि इसे अपने बिस्तर से, गिजा से, खाने से, रिहाइश से दूर रखो। जो इसके फवायद दरकार हैं वो एक मुनासिब फासला रख के फवायद हासिल करो। गौर फरमा आपने, इसके फवायद एक फासले के साथ तुम्हें हासिल हों। तो इसको अपने घर में, ख़ानदान में शामिल, इसीलिए रूहानियत ख़त्म हो चुकी है, मानवियत ख़त्म हो चुकी है, इस्लामी तालीमात दम तोड़ चुके हैं, इस्लाम सिर्फ राह रस्म के तौर पर बाकी रह गया है। ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला रस्म हो व मिनल कुरान इल्ला इस्म हो। कुरान का सिर्फ नुस्खा किताबी शक्ल में बाकी रह गया है, इस्लाम का सिर्फ नाम रह गया, वरना इस्लामी तालीमात हमारे मुआशरे से रुखसत हो चुके हैं, क्योंकि हम उन उमूर की पाबंदी नहीं करते जो आइम्मा हुदा अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए मुतारिफ कराए हैं। तो लोग कुत्ता पालना, गोद में उठाना, मुंह से मुंह लगाना बड़ा फख्र समझते हैं। क्या गुमराह लोग हैं, क्या काबिल तरस लोग हैं। मुसलमान को इस बात पर फख्र होना चाहिए कि वो मोहम्मद अरबी का उम्मती है, वो दुनिया के बेस्ट रिलीजन, बेस्ट रिलीजन, बेहतरीन दीन, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेस्ट रिलीजन का खिताब दुनियाए मगरिब ने दिया है इस्लाम को। बेहतरीन मजहब का फॉलोअर है मुसलमान, तो उसे ट्रू फॉलोअर होना चाहिए। उसे अगर लॉजिक किसी बात की समझ ना आए तो उसको ये सोचना चाहिए कि सादिक मुसद्दक की ज़बान वही तर्जुमान से ये कलिमात अदा हुए हैं, तो इनमें यकीनन कोई हिडन विजडम कार फरमा होगी, कोई हिकमत होगी। तो शेख तूसी अलैहि रहमा ने देखा नजसुलैन कुत्ता करीब खड़ा है, लगाम लटकी भी है, उससे भी वही लुआब गिर रहा है जो कुत्ते की ज़बान से गिर रहा है, अलबत्त दोनों में थोड़ा सा फासिला है, करीब करीब है। शेख तूसी ने उस्ताद मोहतरम की निशानदही के बावजूद लगाम को थामा और घोड़े पर सवार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम ने फरमाया, शेख लगाम नजिस है, आपका हाथ भी नजिस हो गया। मुस्कुराए, उस्ताद की जानिब देखा, कहा मेरे लिए तो पाक है। आपने गौर किया? उन्होंने कहा, शेख लगाम नजिस है, कुत्ते ने इसको नजिस किया है। तो फरमा, मेरे लिए तो पाक है, मैंने तो नहीं देखा। मुझे नहीं मालूम आपने इस पैगाम को कितना दरियाफ्त किया। अरबाओ असाबे कम बैनल हक वल बातिल। क्या उस्ताद झूठ बोल रहे थे? नाउज़ु बिल्ला। शेख को भी मालूम है, लेकिन ये इस्लाम का हुक्म है। कोई कितना सच्चा शख्स हो, जब तक तुमने अपनी निगाहों से नहीं देखा उस वक्त तक उस हुक्म पे अमल करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। कहा, ये लगाम नजिस है। कहा, मेरे लिए तो पाक है, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है, आपने देखा है तो आप अमल कीजिए। तो इस्लाम का ये हुक्म इतना सख्त है कि दूसरे के एहतराम, और फिर दूसरे पे तोहमत लगाना, बोहतान लगाना। ईरान में जब जलसे, जुलूस, रैलियाँ, पाकिस्तान में तो इतने बड़े इज्तिमात नहीं होते बल्कि इमरान खान के जलसे होते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि ये ईरान की नस्बत अगर देखा जाए, जो हमने बचपने से देखा, तो ये आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हमारे मज़हब को ये एज़ाज़ व इफ्तिखार हासिल है। यही फ़र्क है, हमें मालूम, आपको ये मालूम नहीं कि ये सफ़े आज़ादारी किस नेमत का नाम है। हमें इस मज़हब ने एक तुलुए सुबह क़यामत तक एक कभी न ख़त्म होने वाली ऐसी लीडरशिप अता की है हुसैन की सूरत में, कि बड़े बड़े नॉन मुस्लिम ईसाई रिसर्चर कहते हैं, दुनियाए अरब का बहुत बड़ा बैरूत का ईसाई जिसने किताब लिखी, और वो कहता, लौकान हुसैन मिन्ना लदाउना नास बिस्मिल हुसैन लनसबना लहू मिंबरा। काश हुसैन हम में से होते, हुसैन के नाम में इतनी कशिश है कि हम हुसैन के नाम पर पूरी दुनियाए इंसानियत में एक आलमी हुकूमत बपा करते। लदाउना नास बिस्मिल हुसैन लनसबना लहू मिंबरा।
हम हुसैन के लिए जो मेंबर नस्ब करते उसके कम से कम नताइज ये थे कि पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होती। ये सफ़े अज़ा ये बहुत बड़ी ताकत है, और यही वजह है कि अगर पाकिस्तान में कोई बेचारा हक पर भी होता है तो लोग घर में बैठ के तो उसकी तारीफ करते हैं मगर उसके जलसे में जाने की ज़हमत नहीं करते। मैं कहा करती हूँ होता ये ईरान क्यों, इसलिए कि ईरान में इमाम ज़माना की हुकूमत है, इसलिए कि ईरान में आज़ादारी मुज्तहिदीन और फुकहा के ज़ेर साया परवान चढ़ती है। तो हमारी एक लीडरशिप है मज़हब तशय्यो की, मीडिया पे आके हमारा रहबर कह दे कि तुम सब पे वाजिब है घर से निकलना, तो हर लूला लंगड़ा अंधा बहरा गूंगा बीमार बूढ़ा हामिला बच्चा हमने अपनी निगाहों से देखा। इतनी इतनी बड़ी स्नोफॉल होती थी ईरान में, हमारा बचपना था, और ये सहूलियात नहीं थी जो यूरोप में यूएस में होती हैं, जब स्नोफॉल वहाँ पे तो कुछ मुश्किल ही नहीं होती, ईरान में तो बड़ी मुश्किल होती थी। तीन तीन रोज़ तक स्नोफॉल हो रही, इतनी इतनी मोटी बर्फ़ गिर रही है, और उसमें एक मरतबा रहबर आके टीवी पे कह दें तुम सब पे वाजिब है घर से निकलना, बैसाखियों के साथ व्हील चेयर्स पे न्यू बॉर्न बेबी, कोई बंदा घर में नहीं रहता था। इसी तरह इनकलाब इस्लामी ईरान कामयाब हुआ। तो इनकलाब आने वाला था और कैंपेन हो रही थी जगह जगह, और तकरीबन इनकलाब अपनी कामयाबी के मराहिल में दाखिल हो चुका था। बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ा जुलूस था, और बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, बड़ी बरजस्ता शख्सियत आलम इस्लाम की, जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन बहिश्ती शहीद तशरीफ़ लाए उस इज्तिमा को एड्रेस करने के लिए। तो जब आप तशरीफ़ लाए तो नारे लगने लगे, लग ही रहे थे, आपका इस्तकबाल किया गया, आपका तारुफ़ कराया गया कि तशरीफ़ लाते हैं ख़िताब के लिए, तो इतने में नारा लगा कि शाह हरामज़ादास इमाम आज़ादास, इमाम आज़ादास शाह हरामज़ादास। इमाम मर्द आज़ाद मनीष हैं, मर्द हुर हैं, और शाह हरामज़ादा है। जैसे ही ये कहा तो डॉक्टर शहीद बहिश्ती वापस लौट गए। का क्या हुआ? कब मैं इस इज्तिमा को एड्रेस नहीं करूँगा। का क्यों? कब मैं ऐसे मैं तोहीन महसूस कर रहा हूँ अपनी कि मैं ऐसी जगह पे ख़िताब करूँ जिन लोगों को ये पता नहीं कि किसी पे तोहमत लगाना कितना बड़ा ऐब है। उनने कहा ये तो पलीदियों का मजमूआ है, गलाजत का पैकर है, कहाँ है, का इतना बड़ा खाइन है, ममलिकत का गद्दार है। तो कहा बिल्कुल है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये हरामज़ादा भी है? कहा तो वो तो बहुत बुरा है। कहा हो बुरा, लेकिन जो ऐब तुम जानते नहीं उसके बारे में वो तुमने क्यों बयान किया? अगर मैदान कयामत में जब तुम जा रहे हो तो शाह खड़ा हो जाए जहन्नम से उठ के, मा मिनकुम इल्ला वारिदुहा, कयामत में जो भी जन्नत में जाएगा, खतरे की घंटी, जन्नत में जो भी जाएगा, आपके क्या ख्याल में है कि इस्लामाबाद की शाहराहों की तरह फैसल मॉस्क की जानिब जाते हुए या मार्गला की तरफ जाते हुए या मरी की तरफ सरसब्जो शादाब मखमली रोड है और उस पर सवारियाँ जन्नत की जानिब चल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं। सूरह मुबारक मरियम की आयत है, कोई इनकार नहीं कर सकता, मा मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से जो भी जन्नत में जाएगा, हत्ता के नबी मुअज़्ज़म, हत्ता के 1,24,000 अम्बिया पहले जहन्नम में जाएंगे फिर जन्नत में जाएंगे। मा मिनकुम इल्ला वारिदुहा, हर कोई जहन्नम में जाएगा। क्यों? इसलिए कि पुले सिरात जहन्नम के अंदर है, तो वो जहन्नम के अंदर से गुजर के जन्नत जाएगा। तो जब जहन्नम के अंदर से उस पुल से गुजरेगा जो बाल से ज़्यादा बारीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, आग से ज़्यादा गर्म है, जब वहाँ से गुजरेगा तो उस वक्त वो बड़ा कठिन मरहला है। अंदर से कोई जहन्नमी सुलगता जलता हुआ कोयल अंगारे की तरह दहकता हुआ उठेगा, इसके टखने को पकड़ लेगा, इसको लिपट जाएगा, कहेगा मेरा फलां हक तुम्हारे ज़िम्मे है। तो शहीद बहिश्ती ने कहा कयामत में जब जन्नत में जाने लगोगे, अगर शाह जहन्नम में से उठ के तुम्हारी टांग से लिपट जाए कि मुझ में ये ऐब तो था, ये तो था, मैंने ममलिकत के सरमाए तो बेचे, मैंने ये खयानत तो की, मैंने वो करप्शन तो की, मगर मुझे ये बताओ मैं हरामजादा तो नहीं था, अपनी नेकियां मुझे दो, मेरे गुनाह अपनी आगोश में लो,
मैं मजे करूं और तुम जाओ। तो इस्लाम ने इतनी सख्ती से हुक्म दिया, मालहू व दमहू व इर्ज़ुहू हुर्मतुल मोमिन, मोमिन की हुर्मत यह है कि सिर्फ उसका माल और खून नहीं बल्कि उसकी आबरू, उसकी इज्जत। और खुदा को मोमिन की इज्जत इतनी ज़्यादा पसंद है। मैंने अर्ज़ किया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया गया कोहे तूर पे मुनाजात के लिए, टाइमिंग्स बतलाए गए, खुदा खुद बताता था कि फलां वक्त मुझसे मिलने आओ। मूसा जब गए, रास्ते में गुनाहगार से मुलाकात हुई, उसने रोते हुए मूसा को बताया मैंने ये गुनाह अंजाम दिए, खुदा को बता देना। जब मूसा अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में आए, खुदा से राज़ो न्याज किया, कहा परवरदिगार तेरा फलां बंदा उसने ये बड़े बुरे गुनाह अंजाम दिए, तो खालिक कायनात की बारगाह से खिताब आया मुझे बड़ा अफसोस है, बहुत ज़्यादा। मूसा ये समझे अफसोस है उसकी ज़हनियत पे, उसके घटियापने पे, कि लम अखलुफ़ल हालात कुल्लहा मिन इम्तिनान, मैंने इतने उसको इनायात, इतने करामात, अल्ताफात, और फिर घटिया ही रहा। तो खालिक ने आगे से फरमा, मूसा मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जो भी है, जितना भी गुनहगार है, मेरा बंदा है, उसकी गलती तेरी निगाहों के सामने क्यों आई, तेरे नोटिस में क्यों आई, उसने तेरे सामने क्यों इतराफ किया, उसकी आबरू रेजी हुई। कहते हैं कयामत में हम खुद दुआ में पढ़ते हैं या नहीं, यामन अजहर अल जमील व सतर अल कबी, कम मिन जमील नशरता हो व कम मिन कबी सतरता हो। ऐ परवरदिगार, कितनी मेरी बुराइयां हैं जिनको तुमने लोगों की निगाहों से छुपा लिया, कितने मेरे नवाकिस हैं जिनकी पर्दापोशी की। और इसीलिए हम दुआए मुबारक कुमैल का जुमला है जिसमें हम कहते हैं कि लैत शिअरी या सैयदी व मौलाई, लैत शिअरी या सैयदी व इलाही व मौलाई, अतुसल्लतुन्नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा व अला अलसुनिन नतकत बितौहीदिका सादिका व बिशुक्रिका मादिहा व अला कुलूबिन इतरफत बिइलाहियतिका मुहक्किका وعلى زمائر حبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جبارح الى اوطان سعت الى اوطان تعبدك خاشعة واشارت باستغفارك مزعنا। परवरदिगार लैत शिअरी या सैयदी व इलाही व मौलाई, ऐ मेरे सैयदो सरदार, मुझे यकीन नहीं आता। अतुसल्लतुन्नार अला वुजूहिन खर्रत लिअज़मतिका साजिदा, तू कभी उस इंसान पे आज़ाब नाजिल नहीं कर सकता जिसका सर तेरी बारगाह में सजदा रेज हुआ हो। वाला कुलूबिन इतरफत बिइलाहियतिका मुहक्किका वाला अलसुनिन नतकत बितौहीदिका सादिका व बिशुक्रिका मादिहा, जो दुनिया में तेरी तौहीद का इतराफ़ अपने दिल से करते रहे हों और मकाम शुक्र में करार पाते रहे हों। वाला जवारह सअत इला औतान तअब्बुदिका ताइआ व अशारत बिस्तिगफारिका मुज़इना। परवरदिगार, तू कैसे आज़ाब नाजिल करेगा उस बदन पर, उन आज़ा पर जो तेरी इताअत में कमर बस्ता रहे। लैत शिअरी या सैयदी व इलाही व मौलाई, इतना करीम है ये खालिक कि मूसा से कहता है, मूसा मुझे बहुत दुख है, इस बात का अफसोस है कि बेशक वो गुनाहगार है लेकिन मेरा बंदा है, उसका गुनाह तेरी निगाहों के सामने क्यों बरमला हुआ। और इससे ज़्यादा उसकी शान करीमी ये है कि हदीस ऑथेंटिक है, रिवायत सरकार रिसालत माँ की, फरमाया कि जब मैदान क़यामत बपा होगा तो यौम तुबलस सराइर, लोग बड़े परेशान हुए, या रसूल अल्लाह ये आयत तो बहुत ज़्यादा खौफनाक है, यौम तुबलस सराइर, जिस दिन सारे राज आश्कार हो जाएंगे, जिस दिन हर किसी का बातिन खुल के सामने आ जाएगा, जिस दिन लोग जलील और रुसवा हो जाएंगे। तो आका ने फरमाया मगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है। कहा वो क्या? कहा वो अफराद जो नेक हैं, नेकी अंजाम देना चाहते हैं, फरामीन इलाही पर अमल करते हैं, लेकिन कभी शैतान नफ्स उन्हें गुमराह कर देता है और गलती का इर्तिकाब कर लेते हैं, चाहते नहीं मगर गलती हो जाती है। कयामत में खुदा उनके लिए छुपा के एक खेमा नस्ब करेगा, उस खेमे में ले जाके उनको पनिश किया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी, लेकिन लोगों की निगाहों में उनकी आबरू को बाकी और बरकरार रखा जाएगा। और ख़ास तौर पे वो अफराद जो दूसरों की इज़्ज़त व आबरू का ख्याल रखते हैं, जैसा कि मैंने गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लम यहफ़ज़ हुन्ना मन लम यहफ़ज़ हुन्ना, लम यहफ़ज़ अल्लाह लहु फ़ी जौफ़ बैतिही, जो शख्स दूसरे के उयूब को छुपाता नहीं
खुदा कभी उसके उयूब को नहीं छुपाता और उसको उसके घर के वसत में जलील और रुस्वा कर देता है। खुदा उसकी हिफाजत करता है, उसके उमूर की हिफाजत करता है जो दूसरों की हुरमतों की पासदारी का ख्याल रखते हैं। तो ये मजालिस आज़ा, ये महाफिल नूर इसीलिए बपा की जाती हैं कि हमारे शुऊर को उजागर किया जाए। ये तज़किरे मुशेरे कमाल हैं, हमें मंजिल कमाल तक पहुँचाने के लिए, हमें शुऊर अता करने के लिए, हमारे फ़हम व इदराक को ताबदार बनाने के लिए इन मजालिस आज़ा का इनेकाद किया जाता है और करबला की उस अज़ीम क़ुरबानी का तज़किरा किया जाता है। करबला की वो अज़ीम शान क़ुरबानी जिसमें हर सन व साल के लिए एक रोल मॉडल पाया जाता है, और आज जिसका तज़किरा हम करने वाले हैं वो सन व साल में बहुत कम है लेकिन क़ुरबानी बहुत अज़ीम है, और इतनी बड़ी क़ुरबानी है कि हुसैन की क़ुरबानी को कायनात में कायनाती इंसानियत को गुशज़द करने के लिए जितना अहम किरदार इस क़ुरबानी ने अदा किया, हुसैन की दास्तान मज़लूमियत जो गली गली कूचा कूचा करिया करिया नगर नगर पहुंची, वो इस 6 महीने के शीर खार की क़ुरबानी का नतीजा है। जिसने वो 6 महीने का रज़ी सग़ीर जिसने एहसासात की दुनिया में तलातुम बपा कर दिया, जिसकी तशनगी की इल्तिहाब ने जब यौम आशूरा गुजर गया, कट गया सजदे में सिप्ते पैगंबर का गला, तो उमर इब्ने साद ने यजीद के हुक्म पर हमीद इब्ने मुस्लिम को ताज़ा घोड़ा फराहम किया और कहा नॉन स्टॉप रास्ते में तवक्कुफ किए बगैर यजीद के महल तक पहुंच जाओ। यजीद का मौर्रिख था हमीद इब्ने मुस्लिम, शाम गरीबा के बाद 11 मुहर्रम की सुबह, और रास्ते में एक मुनासिब फासिले पर ताज़ा दम घोड़े लेके यजीद के सिपाही खड़े होते थे। हमीद इब्ने मुस्लिम उस घोड़े पर सवार होता था, पहला घोड़ा वहीं छोड़ता था और अपने सफ़र को आगे बढ़ाता था। इस तरह मसाफत तय करते करते 3 रोज़ में हमीद इब्ने मुस्लिम 13 मुहर्रम को यजीद के महल में दाखिल हुआ। जब आया तो यजीद ने पूछा बताओ करबला की जंग का इख्तिताम कैसा हुआ। हमीद इब्ने मुस्लिम नॉन मुस्लिम है, ईसाई है, न्यूट्रल है, मौर्रिख है, हिस्टोरियन है, यजीद का मौर्रिख है, न्यूज़ रिपोर्टर है। उसने यजीद से कहा अगर मैं सच बताऊं तो पहले वादा करो कि मैं जान की अमान पाऊंगा, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। कहा सच बताओ। कहा सच ये है यजीद कि तू जंग ज़ोहरे आशूरा तक जीत चुका था, फतह तेरी थी, लेकिन ज़ोहरे आशूरा के बाद तूने जीती हुई जंग हार दी। यजीद जल्दी से घबरा के बैठा, कहा वो कैसे। कहा यजीद वरक उलट गया, फतह शिकस्त में बदल गई। कहा कैसे। कहा बस हुसैन ने एक अजीब काम किया, जब सब मारे गए कोई बाकी ना बचा अंसारे हुसैन में से। असर का वक्त करीब आया, हुसैन खेमागाह की जानिब बढ़े, थोड़ी देर के बाद लौटे। का फिर क्या किया। का यजीद फिर हुसैन जो लौटे तो अपने सीने पे हाथ रखे हुए थे। मुसलमानों ने कहा हुसैन कुरान लेके आए हैं, सुलह करना चाहिए। हुसैन आगे बढ़ते चले आ रहे थे, चूंकि घोड़े पे सवार ना थे पैदल आ रहे थे, तो इसका मतलब ये होता है कि जंग के लिए नहीं आ रहा, गुफ्तगू के लिए सुलह के लिए आ रहा है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है हुसैन आए, उधर उमर इब्ने साद का लश्कर था, हुसैन आके खड़े हुए। उमर इब्ने साद करीब आया, पूरा लश्कर देख रहा था,
उमर इब्ने साद ने कहा हुसैन शिकस्त को कबूल कर लिया, अब सुलह के लिए आए हो? तो आका ने फरमाया मैं सुलह के लिए नहीं आया। का फिर का ये कुरान का पारा जो तुम्हारे सीने पर है हाथ से उसको छुपाए हुए हो? हुसैन ने कहा कुरान कुरान नहीं है। का कुरान है? का नहीं, कुरान पूरा नहीं, कुरान का एक जुज है, कुरान का एक पारा है। हुसैन ने अबा का दामन हटाया। अब जो अबा का दामन हटाया तो 6 महीने का शीरखार रजी सगीर उमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जब तक ये शीरखार खुद पानी न मांगे मैं इसको पानी नहीं पिलाऊंगा। असल में उमर इब्ने साद ये चाहता था कि फौज को पता ना चले कि हुसैन अपना शहजादा लेके आए हैं। उसने सोचा मैं इस तरह से कहूंगा हुसैन शहजादे को वापस लेके लौट जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हुसैन हुज्जत हक है, आगोश मादर में लोहे महफूज का मुताला करने वाले हुसैन ये कोई मामूली शख्सियत नहीं, इमाम बरहक हैं। हुसैन आगे बढ़े, हुज्जत को तमाम किया। जब उमर इब्ने साद ने कहा कि जब तक बच्चा खुद पानी ना मांगे, कहा उमर इब्ने साद 6 महीने का बच्चा कभी खुद पानी मांगता है? कहा हुसैन मुझे इससे कोई गरज नहीं, जब तक बच्चा खुद पानी ना मांगे मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। आका आगे बढ़े, चूंकि फौज को मालूम नहीं था कि क्या मुकालमा हो रहा है, फौज के सामने आए, अबा का दामन हटाया, अली असगर को गोद से निकाला, तपती रेत पर लिटा दिया। हुसैन पीछे हटे, करबला की रेत की हरारत जब अली असगर की नाजुक जिल्द में पहुंची, बेशीर ने तड़प के अंगड़ाई ली, अपनी सूखी जबान अपने खुश्क लबों पे फिराई। जैसे ही सूखी जबान तहर्रुक में आई, फौज यजीद में इस्तराब पैदा हुआ, सिपाही दाड़े मार मार के रोने लगे। कहते थे उमर इब्ने साद इस नन्हे मासूम ने हमारा क्या कसूर किया है, इसको थोड़ा सा पानी पिलवा दो। फौज में बगावत पैदा होने लगी। उमर इब्ने साद ने कहा, बल्कि हमीद इब्ने मुस्लिम कहता यजीद इतना बड़ा हमला तो अब्बास ने भी नहीं किया, जितना बड़ा हमला 6 महीने के बेजबान ने कर दिया। उमर इब्ने साद आगे बढ़ा, हुरमला 20-21 साल का जवान था, बहुत माहिर तीरंदाज था, उसका निशाना कभी खता ना जाता था। उमर इब्ने साद ने उसे बुलाया, कहा हुरमला जल्दी करो, फौज में बगावत फैल गई है, इस बच्चे का काम तमाम कर दो। हुरमला का इंतखाब इसलिए किया कि अली असगर की जानिब तीर चलाने की हिम्मत किसी में ना थी, तो हुरमला का निशाना खता नहीं जाता था। उमर इब्ने साद का मतलब यह था अगर एक बार भी हुरमला से तीर चल जाए तो खता ना जाएगा। हुरमला ने 3 भाल का तीर चिल्लाए कमान में जोड़ना चाहा, 3 बार तीर को जोड़ना चाहा, तीर जमीन पे गिरता था, कमान भी हाथ से गिर जाती थी। उमर इब्ने साद ने कहा बदबख्त फौज में बगावत फैल रही है, ये तू क्या कर रहा है? क्या तू 1-6 महीने के बच्चे का खात्मा कर नहीं सकता? तड़पा। कहता है उमर इब्ने साद तेरी माँ तुझ पे रोए, जो मंजर मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा। कहा तू क्या मंजर देख रहा है? कहा जैसे ही तीर चिल्लाए कमान में जोड़ने लगता हूँ, खेमे का पर्दा उठता है, तड़पती हुई बेकरार माँ फरियाद करती है हुरमला, हुरमला मेरी गोद पे तरस कर,
पीर बहुत बड़ा है, मेरे सगीर का गला बहुत नाजुक है और तीर इतना बड़ा है कि एक नॉन मुस्लिम ऑथर ने, रिसर्चर ने पुराने जमाने के असलहों पर एक किताब लिखी, बहुत ज्यादा रिसर्च की। उस किताब में उसने बताया कि कुछ असलहे पुराने जमानों में बस जरूरतों की वजह से ईजाद किए गए। उसने कहा जब जंगें हाथियों, पले हुए हाथियों और सरकश घोड़ों पर लड़ी जाती थीं, तो जो आम तीर थे वो घोड़ों के बदन पर, सरकश बड़े पले हुए हाथियों पर असर ना करते थे। तो फिर एक खास तीर बनाया गया जो तीन भाल का तीर था और उसके लिए एक खास कमान बनाई गई। और साथ वो कहता है कि एक कमान और भी बनाई गई और पत्थर बनाए गए, बड़े पत्थर, उनकी तीर की तरह नोक बनाई गई। उन पत्थरों को कमान में रख के रिहा किया जाता था बड़े हाथियों को मारने के लिए, और तीन भाल का तीर एक खास कमान में रख के। तो कहता है ये तीन भाल का तीर ये इंसानों के लिए नहीं बना था, ये जंगी हाथियों और सरकश दनदनाते दौड़ते हुए मैदान जंग में घोड़ों के लिए बना था। कहता ये तीर इंसानों के लिए नहीं बना था और ना ही कभी किसी जंग में किसी इंसान पे इस्तेमाल हुआ। कहता हाँ मगर अफसोस का मकाम है, सिर्फ एक बार करबला की जंग में मुसलमानों के इमाम के साथ जंग में ये तीर इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों के इमाम के 6 महीने के सगीर का गला फरमला ने तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, वो तीर रिहा करने लगा। इधर से माँ की आवाज बुलंद हुई, अली असगर तैयार हो जा। इस अली या सगीर ने अपनी गर्दन को बुलंद किया। अली असगर का मकाम इतना बुलंद है कि सादिक आले मोहम्मद ने अली असगर को बाबुल हवाइज करार दिया है। फरमाते हैं जब तुम्हारी हाजत कहीं से पूरी ना हो और तुम मायूस हो जाओ तो फिर तुम खून मजलूम का वास्ता दो, कहो इलाही बेदमिल मजलूम, परवरदिगार तुझे खून मजलूम का वास्ता। इमाम से कहा वो खून मजलूम इमाम हुसैन का खून है? कहा नहीं। का फिर किसका है? कहा वो 6 महीने के रजी सगीर अली असगर। आका ने फरमाया, इमाम जमाना ने अली असगर को अलग से खिताब किया है, जहां पे कहा सलाम अला अली अल कबीर, करबला तेरे अली अकबर पे सलाम। वहां इमाम जमाना ने कहा सलाम अला रजी सगीर, मेरा सलाम 6 महीने के शीर खार पर। तीर चला, अली असगर ने गर्दन को बुलंद किया, मुस्कुरा के तीर को वसूल किया। हमारे उलमा ने अपनी किताबों में तहरीर किया है, कहते हैं कि अली बचपने में सिगर सिनी में भी अली ही होता है। अली असगर कमसिन जरूर थे, नन्हे मुजाहिद थे, लेकिन अली असगर ने मुस्कुरा के अपनी गर्दन पे तीर को वसूल किया। मगर हमारे कुछ बड़े मक्तल नवीस उलमा हैं जिन्होंने कहा कि अगर तुम वाकईयत जानना चाहो तो अपने कलेजे थाम लो। वाकईयत इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि माओं के कलेजे फट जाएंगे। वो कहते हैं दरअसल बात ये ना थी कि अली असगर ने गर्दन को बुलंद करके तीर को वसूल किया, कहते दरअसल तीर इतना वजनी था और सगीर का गला इतना नाजुक था कि जब तीर सनसनाता हुआ आया उसका वजन इतना ज्यादा था, उसका झटका इतना शदीद था कि 6 महीने का शीरखार तीर के झटके को बर्दाश्त न कर सका और ऊपर तक बाबा की गोद में उछल गया। अली असगर को नहर कर दिया गया, तीर अली असगर की गर्दन को फाड़ता हुआ हुसैन के बाजू में बेबस हुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तीर लगा, अली असगर का गला कटा। अब हुसैन की
सबसे बड़ी मुसीबत का आगाज हुआ। अहले सुन्नत के आलिम दीन है फरंगी महली, जैसे सैयदा कौनैन इल्तिजा करती हैं मेरे हुसैन के मसाइब बयान करो, इमाम हुसैन की भी ख्वाहिश है अली असगर के मसाइब बयान हो। फरंगी महली कहते हैं कि जब अली असगर के गले में तीर लगा तो कहते हैं हुसैन के इम्तिहान की सबसे बड़ी मंजिल आई, और फिर कहते हैं ये हुसैन के लिए कयामत का वक्त था। हुसैन कहते हुसैन के लिए वो मुसीबत सबसे बड़ी ना थी जब कड़ियल जवान एड़ियां रगड़ रहा था, दम तोड़ रहा था और हुसैन उसके कलेजे से बर्छी का फल निकाल रहे थे, बल्कि हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी हुसैन बेशीर के लाशे को लेके 7 मरतबा जानिबे खेमा चले फिर लौटे, हिम्मत ना होती थी। आखिर हुसैन ने एक जगह का रुख किया, नरम सी जमीन को देखा, टूटी हुई जुल्फकार से जमीन को खोदा, नन्ही सी कब्र बनाई। फरंगी महली कहते हैं वो वक्त था हुसैन की सबसे बड़ी मुसीबत का। क्या आका ने अली असगर को गोद में लिया, कब्र में लिटाने लगे, कहते हुसैन शिद्दत से रोने लगे, अली असगर को अपने सीने से लिपटा लिया। फिर थोड़ी देर के बाद कब्र में लिटाने लगे, फिर लौटाया, फिर सीने से लिपटाया, तीसरी बार यही अमल अंजाम दिया। मैदान से आवाज बुलंद हुई, हुसैन वक्त कम है। अब हुसैन ने अली असगर को कब्र में लिटा दिया, लेकिन अहले सुन्नत के आलिम दीन फरंगी महली कहते हैं अब हुसैन में हिम्मत ना थी कि अली असगर के बदन को खाक से ढांप दे। खाक को हाथों में लिया, अली असगर के बदन की जानिब बढ़ाया, फिर शिद्दत से रोए। आखिर फिर हुसैन ने खाक पहले अली असगर के पांव पे डाली, फिर टांगों पे डाली, फिर रानों पे डाली, फिर पेट पे डाली, फिर सीने पे डाली। जब सीने तक बदन छुप गया तो कहते हुसैन बैठ के शिद्दत से रोने लगे, अली असगर के रुखसारों पे आका के आंसू बहने लगे। फिर आका ने खाक उठाई, अली असगर के चेहरे की जानिब ले गए, फिर हिम्मत ना हुई, रोते रोते हाथ अपने वापस पलटा लिए, फिर खाक को उठाया, तीसरी बार खाक को उठाया, फिर मैदान से आवाज आई, कहते अब जो तीसरी बार हुसैन ने खाक को हाथों में लिया तो अपना चेहरा दूसरी जानिब फिरा लिया, अली असगर के चेहरे पे खाक डाली और नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ के शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ के। और बस एक जुमला सुनिए, उलमा ने कहा हुसैन ने अली असगर को दफन क्यों किया, किसी शहीद को दफन नहीं किया, तो कहा कि हुसैन ने अली असगर को इसलिए दफन किया कि हुसैन जानते थे कि करबला की धूप बड़ी सख्त है, अली असगर का बदन बड़ा नाजुक है, हुसैन जानते थे शहादत के बाद सर काटे जाएंगे, अली असगर में दोबारा कटने की हिम्मत नहीं, हुसैन जानते थे शहादत के बाद लाशें पामाल किए जाएंगे, अली असगर का गोश्त बहुत नाजुक है, घोड़ों के सुमों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर उलमा कहते हैं हुसैन हमारा सलाम हो आप पर, हमारा पुरसा कबूल कीजिए, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हुई। जब शाम गरीबा आई, जब लाशे पामाल हुए, जब घोड़ों के सुमों में नालबंदी हुई, जब अकेले हुसैन का तनहा लाशा करबला के मक्तल में रह गया तो जालिम आए अली असगर का लाशा हुसैन के सीने पे लिटाया, और फिर इतने घोड़े दौड़े कि अली असगर का गोश्त हुसैन के गोश्त में यकसां हो गया। इन्ना लिल्लाह